स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतरी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के कक्षा सातवीं का पांचवा अध्याय रेखा और कोण की पहली एक्सरसाइज 5.1 हल करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, रेखा, रेखाखंड, किरण और इसके बाद आसन्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक बार प्रश्नावली को हल करने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको इन सभी जो परिभाषाएं हैं ये इनकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने ये पहले वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होंगे? कोणों का वह युग्म जिसका योग 90 डिग्री हो। मतलब क्या हुआ, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री आए वो क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। और ये दोनों कोण है वो आपस में एक दूसरे के भी पूरक होंगे। तो पहला भाग है इसका 20 डिग्री। क्या है पहला भाग है? दिया गया कोण है 20 डिग्री। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 20 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 डिग्री घटाने 20 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री। जब हम 70 को और 20 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 70 डिग्री और 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 20 डिग्री। अब इसका दूसरा भाग है 63 डिग्री। कितना दिया गया कोण कितना है 63 डिग्री। अब इसका पूरक कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 63 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 8 में से 6 गए तो 2, कितना आ गया 27 डिग्री। 63 का पूरक कोण क्या होगा 27 डिग्री। 27 डिग्री का अगर पूरक कोण पूछे तो क्या बनेगा आपके पास 63 डिग्री, और 63 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो 27 डिग्री। इसके बाद अगला है 57 डिग्री। अगला क्या है, भाग 3 है, 57 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 57 को घटा देंगे यहाँ से, तो 10 में से 7 गए तो यहाँ पे आ गए 3, और ये 8 में से 5 गए तो ये आ गए 3, 33 डिग्री। ठीक है, तो 57 डिग्री का पूरक कोण होगा 33 डिग्री और 33 डिग्री का पूरक कोण होगा 57 डिग्री। इसके बाद सवाल 2, निम्न में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण क्या होते हैं, कोणों का वह युग्म जिसका योग 180 डिग्री आए। पूरक मतलब 90 डिग्री, पूरक का मतलब क्या बनता है, पूरक का तो जोड़ आए 90 डिग्री, और संपूरक, संपूरक का क्या होगा, जिन दो कोणों का जोड़ कितना आए 180 डिग्री। जिन दो कोणों का योग करें और वो 180 डिग्री आ जाए तो वो कैसे कोण होते हैं, संपूरक कोण। अब अगर हमारे पास एक कोण दिया हो तो हम दूसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, 180 डिग्री में से पहले वाले कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, संपूरक कोण का दूसरा जोड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला दिया गया है 105 डिग्री। दिया गया कोण क्या कितना है आपके पास, दिया गया कोण है 105 डिग्री। 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 105 डिग्री का संपूरक कोण होगा 180 डिग्री में से 105 डिग्री को घटा देंगे, 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ पे बच गए 7, कितना गया 75 डिग्री। 75 डिग्री का जमा में 105 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा वापिस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का कोण क्या होता है, संपूरक कोण। इसी तरह से हम कहेंगे कि 105 डिग्री के कोण का संपूरक होगा 75 डिग्री और 75 डिग्री के कोण का संपूरक होगा 105 डिग्री। अब दूसरा भाग है 87 डिग्री। तो 87 डिग्री का जो ये है पहला, दूसरा है 87 डिग्री, क्या करेंगे 180 में से 87 क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपके पास कितना आएगा
दस में से सात गए तो तीन, और यहाँ पे बच गया आपके पास सात, सत्रह में से आठ गए तो नौ, कितना गए तिरानवे डिग्री आ गया। कितना है आपके पास तिरानवे डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास सतासी डिग्री का संपूरक कोण कितना बन गया तिरानवे डिग्री। इसका भाग तीन है, तीसरे भाग में पूछ रखा है आपके पास एक सौ चौवन डिग्री का संपूरक कोण। एक सौ चौवन डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा, कैसे करेंगे बताइए, कैसे कर सकते हैं हम इसको। हम इसको क्या करेंगे, वापिस फिर से एक सौ अस्सी में से एक सौ चौवन को घटा देंगे, ठीक है। तो एक सौ अस्सी डिग्री में से एक सौ चौवन डिग्री को घटा देंगे, क्या बनेगा, दस में से छह चार गए तो बच गया हमारे पास छह, यहाँ पे बच गया सात, सात में से पांच गए तो दो, और एक में से एक गए तो जीरो, कितना आया छब्बीस डिग्री। तो एक सौ चौवन डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या बना छब्बीस डिग्री। छब्बीस और एक सौ चौवन को जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास एक सौ अस्सी। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है संपूरक कोण है। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल तीन, कोणों के निम्न युग्मों में से पूरक और संपूरक कोणों को पृथक कीजिए, पृथक मतलब अलग अलग कीजिए। तो तीसरा सवाल में क्या पूछा गया है कि दो जोड़े दे रखे हैं, ये बताने हैं आपको ये जोड़े पूरक कोण के हैं या संपूरक कोण के, कैसे होगा ये हल। हम दोनों कोणों का जो जोड़े हैं युग्म है उनको जोड़ देंगे, अगर जोड़ 90 डिग्री आया तो कौन से कोण होंगे पूरक कोण होंगे, और अगर दोनों कोणों को जोड़ किया हमने योग किया और अगर उसका जो योग है वो 180 डिग्री आया तो क्या होंगे संपूरक कोण। तो देखिए पहला है 65 डिग्री और 115 डिग्री, 65 में 115 जोड़ते हैं, ये तीन का सवाल है, 65 डिग्री है और 115 डिग्री है, इनका योग करेंगे 115 डिग्री में 65 डिग्री जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 यहाँ पे हमने हासिल लिया कितना भैया 8, कितना आ गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग करे वो 180 डिग्री हो तो होंगे संपूरक कोण। कौन से होंगे, तो ये पहला भाग क्या आ गया संपूरक कोण है। दूसरा है 63 और 27, 63 डिग्री और दूसरा इसका जोड़ा है 27 डिग्री, 63 में 27 जोड़ते हैं कितना बनेगा आपके पास, 7 और 3 10 और 6 और 2 8 हो गए 9, 90 डिग्री आ गया। तो दूसरे वाले भाग में जो भाग दो है इसमें क्या बनेंगे पूरक कोण, कैसे किस तरह के कोण है ये पूरक कोण है। क्यों है ये पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आया हमारे पास 90 डिग्री आया है, और जिन दो कोणों का योग करें और वो 90 डिग्री आ जाए तो कैसे कोण होंगे पूरक कोण होंगे वो। अब इसके बाद इससे अगला भाग है भाग तीन, 112 और 68 डिग्री, तीसरा भाग है 112 डिग्री और 68 डिग्री, जब हम इनका योग करेंगे तो ये बनेगा 8 और 2 10 और यहाँ से 6 और 2 8 और 1 कितना आया 180 डिग्री बन गया। तो भाग तीन किस तरह का है संपूरक कोण है, भाग तीन भी आपके पास कैसा है संपूरक कोण। भाग चार है 130 और 50, भाग चार में क्या करेंगे हम, ये है 130 और दूसरा जोड़ा है 50 डिग्री, जब आप 130 में 130 में 50 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0, 5 और 3 8 और यह आ गया 1, तो कितना बना 180 डिग्री, और 180 डिग्री अगर जोड़ा गया तो कौन किस तरह के कोण है ये संपूरक कोण। भाग चार में क्या लिखेंगे आप संपूरक कोण। पांच, भाग पांच है 45 और 45, 45 जमा 45 कितने होते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब जोड़ आ गया तो किस तरह के कोण होंगे पूरक कोण, कैसे किस तरह के होंगे पूरक कोण। इसका पांच भाग में है 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री जमा 45 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, तो किस तरह का है ये पूरक कोण, किस तरह के कोण है ये है पूरक कोण। इसके बाद सवाल चार है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका हल कर चुके हैं कि एक कोण ऐसा जो अपने ही पूरक के समान हो, मतलब उन दोनों कोणों
90 डिग्री और दोनों कोण क्या हो, समान हो, तो क्या करेंगे, 90 को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो 90 को दो बराबर भागों, सवाल नंबर 4 है, यानी कि पूरक का मतलब कितना होता है, पूरक कोण कैसे होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री आए और दोनों कोण समान हो। समान हो का मतलब क्या हुआ, इसका आधा आधा बराबर बराबर करना है। तो 90 डिग्री को जब हम दो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। एक बार आप जोड़ के देखिए, 45 जमा 45, अभी पीछे किया था, कितना बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 45 का एक कोण ऐसा है जो अपने ही पूरक के समान हो। ठीक है, समझ आया। इसके बाद आपका अगला सवाल है, सवाल 5 कि संपूरक कोण ज्ञात कीजिए जो क्या हो, अपने ही संपूरक के समान हो। इसमें तो है अपने ही पूरक के समान हो, और अगले वाले सवाल 5 है उसमें है अपने ही संपूरक के समान हो। मतलब क्या हुआ, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आए और दोनों कोण आपस में बराबर हो, तो कैसे करेंगे, 180 डिग्री के कोणों को क्या करेंगे, दो बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए दो से भाग कर देंगे 180 डिग्री को। और जब हम 180 डिग्री के कोण को दो से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री जमा 90 डिग्री, 90 जमा 90 कितना हो गया, 180, और दोनों भाग क्या है, बराबर है। इसलिए हम इस सवाल 5 का उत्तर क्या होगा कि दो कोण जो अपने ही संपूरक के, एक कोण जो अपने ही संपूरक के समान हो वो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगला सवाल। सवाल संख्या 6 है, दी गई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है, यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। कोण 1 जमा कोण 2 कितना है, 180 डिग्री है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 और कोण 2 यानी कि इसका जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। ये कहे कोण 1 में कमी कर दें, मान लीजिए हमने कोण 1 को ले लिया 30 डिग्री, तो कोण 2 क्या बन जाएगा आपके पास, कोण 2 बन गया 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस किया 150 डिग्री। अगर मैं कोण 1 में कमी कर दूं, मैं कोण 1 में मैंने कितना ले लिया, 25 डिग्री, तो 25 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 25 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री में से 25 को माइनस कर दें, ये बनेगा 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 7 में से 2 गए तो 5 और 1 कितना बन गया, 155 डिग्री। मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे कितना आया, 150, ताकि दोनों का कोण जोड़ हो कितना बन जाए, 180 डिग्री। अगर मैंने कोण 1 में कमी कर दी, कितने की कमी की, 25 डिग्री है, पहले कितना था 30 डिग्री, तो कमी कितने की हुई, 5 डिग्री की कमी करी, तो यहाँ पे जो दूसरा तो जोड़ा है संपूरक का उसमें भी 5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, 5 की वृद्धि। जितना आप 1 को कम करेंगे कोण 2 को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों कोणों का जोड़ क्या रहे, 180 डिग्री ही रहे। तो इस सवाल का क्या उत्तर होगा कि कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, कि जिस माप से आप कोण 1 को घटा रहे हो उसी माप से कोण 2 को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों कोण क्या रहे, संपूरक कोण रहे। समझ आया। अब अगला सवाल है, सवाल 7, क्या दो ऐसे संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। अब आप बताइए, ये नया आ गया क्या, न्यून कोण क्या होते हैं, क्या है न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो वो क्या होते हैं, न्यून कोण। अब इसने कहा दो कोण है और वो क्या होने चाहिए, संपूरक। मतलब क्या हुआ, कोण 1 जमा कोण 2 का जोड़ क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब इसने कहा दोनों ही कोण कैसे हो, न्यून कोण। अब दोनों ही 90 डिग्री से कम आ जाएं, 90 जमा 90 कितना होता है, 180, यानी कि जो समकोण है दो समकोणों का जोड़ करें तो 180 बनता है। लेकिन अगर दोनों ही
90 डिग्री से कम आ जाएं तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 180 डिग्री से कम आएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, हमने ले लिया कोण एक को 90 से कम ले लिया, हम ले ले कितना 85 डिग्री ले लिया, और दूसरा कोण जो दो है वो हमने ले लिया 87 डिग्री। ठीक है, एक बार इन दोनों को जोड़ के देखें, 85 में 87 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 1 8 और 8 16, 1 17 कितना बन गया 172, और आना कितना चाहिए था 190। मतलब कि संपूरक कोण में दोनों कोण न्यून कोण नहीं हो सकते, हमने ये पहले वाले वीडियो में भी बताया था, न ही तो दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं और न ही दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। अब इसी का दूसरा भाग है, अधिक कोण है तो क्या ऐसा संभव है कि दोनों कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से बड़े कोण क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। 90 डिग्री का जमा 90 का बनता है आपके पास 180, और 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं संपूरक कोण। तो अगर मैं दोनों ही कोण 90 डिग्री से बड़े ले लूं तो क्या होगा, उनका जब योग करेंगे तो वो 180 से बड़ा होगा। ठीक है, एक आप न्यून कोण ले लें और एक अधिक कोण ले लें तो फिर आप जब हम इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 180 आ सकता है। ठीक है, वो तो हम जैसे कोण लेंगे उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन दोनों कोण न ही तो न्यून कोण हो सकते हैं और न ही दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। हमें एक बार उदाहरण ले लें, अधिक कोण मैंने एक को ले लिया 100 डिग्री का, 7 का भाग 2 है, एक ले लूं मैं 100 डिग्री का और दूसरा ले लूं मैं 105 डिग्री का। अब 100 डिग्री में 105 डिग्री का जोड़ करें तो ये कितना बनेगा, ये तो बन गया 205 डिग्री। तो क्या 205 डिग्री के कोण को हम संपूरक कोण बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम 180 डिग्री के जो दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आएगा उसी को हम संपूरक कोण बोलते हैं। और अगर दोनों ही कोण अधिक कोण ले लेते हम तो इसमें क्या होगा, दोनों का योग 180 से ज्यादा हो जाएगा, और 180 से ज्यादा होने पर वो कोण क्या नहीं रहेंगे, संपूरक कोण नहीं रहेंगे। जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री आए, ना 180 डिग्री से कम हो ना 180 डिग्री से ज्यादा हो, उन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तीसरा है समकोण है, बिल्कुल सही है, ये तीसरा इसका भाग है जो समकोण है। समकोण मतलब समकोण का मतलब है 90 डिग्री। समकोण का क्या मतलब होगा, 90 डिग्री, दोनों ही कोण समकोण है यानी कि दोनों ही 90-90 के हैं, और 90 डिग्री जमा 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। तो जो भाग 3 है क्या होगा, हाँ भाग 3 क्या है, संभव है कि दोनों ही कोण समकोण हो सकते हैं, 90 जमा 90 180। तो नहीं तो न्यून कोण है तो आप इसमें लिखोगे नहीं, और अधिक कोण है तो भी लिखोगे नहीं, और भाग 3 समकोण है तो लिखोगे हाँ ऐसा संभव है कि 3 है वो संभव है, तो भाग 1 और भाग 2 में संभव नहीं होगा। अब इसके बाद हम सवाल 8 है आपका, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा 45 डिग्री के बराबर होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। ऐसे हमने 2 या 3 सवाल ऊपर कर चुके हैं पहले वालों में कि एक दोनों का जोड़ होना चाहिए 90 डिग्री, तब जाके क्या बनेगा पूरक कोण, और पूरक कोण बनेगा तो एक कोण 45 है, एक कोण 45 से बड़ा है, एक कोण क्या है 45 से बड़ा है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा। देखो दो कोण है 45 डिग्री जमा 45 डिग्री, और ये दोनों मिलके क्या आ गया 90 डिग्री। अगर एक को 45 से थोड़ा बड़ा कर दे तो दूसरा क्या होगा, दूसरे में से एक को अगर हमने बढ़ाया है तो दूसरे को उतने ही माप से दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 45 डिग्री की जगह 47 डिग्री ले लिया, 47 डिग्री का मतलब मैंने कितना 2 डिग्री का माप वो बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, मान लिया इसको कोण 2 है और वो कितना है 90 डिग्री, तो कोण 2 का मान क्या आएगा, 90 में से 47 डिग्री को जब आप घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 43 डिग्री, कितना बनेगा 43 डिग्री। 43 को 47 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 4 4 8 हो जाएंगे 9, कितना बन गया 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास संपूरक कोण है पूरक कोण है और एक का माप 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरे का माप 45 डिग्री से छोटा होगा, ताकि उन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ जाए और वो पूरक कोण ही रहे। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल संख्या 9, संलग्न आकृति में
क्या कोण एक कोण दो का आसन्न कोण है? अब ये आपके पास आकृति दी गई है, इसमें आसन्न कोण देखते हैं। सबसे पहले आसन्न कोण क्या होते हैं, क्या होंगे आसन्न कोण? आसन्न कोण क्या होंगे? आसन्न कोण की आपके पास तीन शर्तें बताई गई थी जब हमने इसे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया, उसमें आया था आसन्न कोण कैसे होंगे आसन्न कोण। पहली बात, उन दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उन दोनों कोणों का शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। दूसरी बात, उन दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ये भुजा रही, ये वाली भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, जो कोण एक के साथ भी लगती है और कोण दो के साथ भी लगती है। और इसका तीसरा था, इसका तीसरा था उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ क्या है? वो भुजाएं होनी चाहिए जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है उसमें वो उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर होनी चाहिए और दूसरी इधर होनी चाहिए। तो क्या ये तीनों शर्तें आपका कोण एक और कोण दो पूरी करते हैं? अगर ये दो तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो ये आसन्न कोण हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पहले ही आपकी शर्त है कि दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ से ये ओ शीर्ष है और या ये है कोण दो का और यहाँ से ये है कोण एक का। तो पहला भाग हो गया कि शीर्ष क्या है? उभयनिष्ठ है। तो क्या एक भुजा उभयनिष्ठ है? हाँ, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। भुजा कौन सी? भुजा ओसी उभयनिष्ठ है, जो दोनों में आती है। और तीसरी शर्त है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। एक तरफ ये उभयनिष्ठ भुजा ओसी है तो ओ एक इधर ही साइड है, तो ओ बी ओ ई इस तरफ है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों तीसरी शर्त भी पूरी होती है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों शर्त कोण एक और कोण दो पूरी करते हैं तो कोण एक कोण दो का क्या है? आसन्न कोण है। इसका होगा हाँ, भाग दो है कोण ए ओ सी, मतलब ए से शुरू करो फिर ओ को बीच में लो, ओ सी कौन सा कोण बनेगा? ए ओ सी क्या है? कोण एक और ए ओ ई और कोण एक जमा दो, ए ओ सी आ गया कोण एक, ए ओ ई आ गया एक जमा दो कोण एक जमा दो। क्या कहता है? का आसन्न कोण है, मतलब एक तो ये वाला कोण ला रही है और एक ये पूरा ले रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है, बिल्कुल सही है। नंबर दो, एक भुजा उभयनिष्ठ, ये भी सही है। ओ ए भुजा है वो उभयनिष्ठ है। ओ ए क्या है? देखो इसमें आ भी रहा है, ओ ए इसमें भी है और ओ ओ ए इसमें भी है, यानी कि एक भुजा उभयनिष्ठ है। दो शर्तें पूरी करते हैं। तीसरा है कि जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होनी चाहिए। आपकी उभयनिष्ठ भुजा क्या है? ओ ए। तो क्या ओ सी और ओ ई एक एक तरफ है? तो तीसरी भुजा क्या है? संभव नहीं। तीसरी जो शर्त थी ना वो संभव नहीं है, इसीलिए कोण आपके पास ए ओ सी और ए ओ ई आसन्न कोण नहीं है। कैसे है? आसन्न कोण नहीं है। और कारण क्या होगा कि भुजा तीसरी शर्त है इसकी, भुजा ओ सी और ओ ई उभयनिष्ठ भुजा ओ ए के एक एक तरफ नहीं पड़ती, दोनों ही एक तरफ पड़ती है। एक एक तरफ का मतलब है एक इधर है तो उस उभयनिष्ठ भुजा की एक दूसरी तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है, क्या कोण बी ओ डी, बी ओ डी कोण है? बी ओ डी यानी कि कोण चार है। क्या कोण चार डी ओ ए, डी ओ ए कोण पांच, किस कोण को बोल रहे हैं? कोण चार और कोण पांच, बी ओ डी, बी ओ डी का सॉरी भाग तीन देखते हैं, भाग तीन बीच में रह गया। कोण ई ओ सी, ओ ई सी है और ओ ई यानी कि कोण दो है और
ईओडी कोण तीन जमा कोण चार, ये है पहला सीओई यानी कि कोण दो और ईओडी यानी कि कोण तीन जमा चार संपूरक है। क्या है? संपूरक है। ये आ जाएगा कोण आपके पास कोण दो और ईओडी, ये संपूरक है। संपूरक का मतलब है क्या होना चाहिए, एक कोण ये ले लिया, इस पूरे को इसने एक कोण बना दिया, मान लो ये कोण छह है तो क्या कोण दो जमा कोण छह 180 डिग्री है। 180 डिग्री मतलब संपूरक होता है, जिनको दो कोणों का जोड़ इकट्ठा कर दिया इसने, जिन दो कोणों का जोड़ क्या 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से सीओडी क्या है, एक सीधी रेखा है, पर एक रेखा पे कोण कितने का होता है, जब मैंने ये रेखा खींच दी तो ये कोण कितने का होगा, ये होगा 180 डिग्री का। कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ इसका उत्तर क्या होगा, हाँ। अब बात चाल है, क्या कोण बीओडी, ये आपके पास बीओडी यानी कि कोण चार है, और अगला है डीओए कोण पांच है, डीओए कोण पांच, क्या बोलता है ये संपूरक है। कोण चार और कोण पांच, देखो ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो इधर से क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्यों, क्योंकि क्या ये सीधी रेखा है, क्या बन रहा है आपके पास, देखो यहाँ से ये सीधी रेखा है और इसके दोनों कोणों का जोड़ कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो आप इसका क्या लिखेंगे, इसका उत्तर होगा हाँ, कैसे है ये, हाँ। अगला है कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण चार है, कोण एक बार मैं इसको फिर से बना दूं, ये और ये और इधर से है ये, तो मैं सिर्फ जितना हमें इस भाग में है, ये है कोण एक और ये है कोण चार, दिख रहा है यहाँ से, ये कोण एक है और सिर्फ इतना कोण चार है। तो क्या कोण एक कोण चार का शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ। क्या होगा इसका उत्तर, हाँ कोण एक कोण चार का शीर्षाभिमुख है। कोण पांच का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कोण पांच यहाँ है आपके पास, कोण पांच है ये वाला, कोण पांच का शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण कितना कौन सा है, कोण दो है और ये कोण तीन है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, कोण पांच का शीर्षाभिमुख, एक बार इनको हटा दो, कोण पांच का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण दो जमा कोण तीन। क्यों, जबकि आप ये कोण है, ये आपके पास ये लाइन बनी हुई है, दो रेखा एक दूसरे को यहाँ बिंदु दे रखा है, आपके पास ओ बिंदु पर काटती है, तो ये वाले कोण एक दूसरे की उल्टी तरफ जो होते हैं, ये दोनों कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका उत्तर क्या होगा, कोण पांच का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण